थाईलैंड का नाम लेते ही हमारे दिमाग में पार्टी और बीच की याद आने लगती है। घूमने के लिहाज से थाईलैंड दुनिया के उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां लोग बार बार जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप थाईलैंड घूमने जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के दौरान आपको थाईलैंड से जुड़े कुछ अजीबोगरीब रूल्स और अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं शुरू। और क्या आपको पता है कि थाईलैंड का मतलब क्या होता है? थाईलैंड का मतलब फ्री लैंड होता है। थाईलैंड को पहले सियाम देश के नाम से जाना जाता था। इससे भी मजेदार बात यह है कि इस देश पर कभी भी किसी देश का कब्जा नहीं रहा। नाइन, और क्या आपको पता है कि कुरुंद्रम, देव महानगर, अमर रत्न, कोसिंद्र, महिंद्र युद्ध, जी हाँ हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, यह बैंकॉक का पूरा नाम है। यह पाली और संस्कृत भाषा से आता है। एट, और क्या आपको पता है कि थाईलैंड में रामायण यहाँ का महाग्रंथ है और यह रामायण का थाई वर्जन है। नंबर 7, रेटिकुलेटेड पाइथन, जो लंबाई के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, वो थाईलैंड में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 10 मीटर से अधिक होती है और यह सांप बहुत ही खतरनाक होता है। इस सांप के 5 मीटर के दायरे में अगर आप हो तो आपको बिल्कुल ही भाग जाना चाहिए, क्योंकि इसकी लंबाई ही 10 मीटर से ज़्यादा होती है। नंबर 6, बैंकॉक दुनिया के सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में से एक है, जहाँ का सबसे ज़्यादा गर्म महीना अप्रैल का होता है। इस महीने में यहाँ सोंकरण त्यौहार मनाया जाता है, जो बिल्कुल होली की तरह ही होती है, लेकिन इसमें रंगों की बजाय सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है। नंबर 5, यह संविधानिक राजतंत्र है और यहाँ के लोग भगवान की तरह अपने राजा रानी की पूजा करते हैं, और थाईलैंड उन देशों की सूची में आता है जहाँ आज भी राजतंत्र चलता है। 4, और क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाला जानवरों की प्रजातियों का 10वां हिस्सा थाईलैंड में ही पाया जाता है। नंबर 3, और क्या आपको पता है कि थाईलैंड की 95% थाई लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और बाकी 5% इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू है। नंबर 2, और क्या आपको पता है कि थाईलैंड के लोग अपने शरीर में माथे को सबसे ज्यादा पवित्र अंग मानते हैं। नंबर 1, इस देश में एक अजीबोगरीब कानून मौजूद है। इस देश में अंडरवेयर पहने बिना घर से बाहर निकलना गैरकानूनी माना जाता है। तो हाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।